मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइन, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल जुमा की नमाज से कबल नाखुदा मस्जिद में जो लड़ाई मारपीट हुई उसकी क्या वजूहात है, नहीं वजूहात है। इससे पहले जिनको पीटा गया हाफिज रियाजुद्दीन साहब से हमने बातें करवाई, आपको न्यूज़ वीडियो बताते कुछ देखा भी होगा, देख भी रहे होंगे या देखेंगे भी। चलिए, नाखुदा मस्जिद के मतवल्ली जनाब नासिर इब्राहिम साहब हमारे सामने में रूबरू है, मस्जिद की देख रेख करते हैं, मस्जिद के मतवलियान में से एक है, और जब भी चांद वगैरह के मामला होते हैं तो देखते हैं नासिर इब्राहिम साहब का सिग्नेचर होता है और हमेशा उनके नज़र के सामने भी होता है। हम डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं, कल जो लड़ाई झमेला वगैरह हुआ उसकी वजह से रीज़न क्या है? पावर दिखलाना था से लिए वो पार्टीशन को हम लोग ने निकाला शुरू हो गया था रिनोवेशन के लिए। जो अपना वो जो रूम है कितने स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट तकरीबन आपका 150 स्क्वायर फीट का होगा, 150 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें एक छोटी ऐसी पार्टीशन थी जो साबिर साहब को टाइम में था। पार्टीशन में वो बिल्डिंग का सफर का पार्टीशन नहीं था, वो कमरे पर अलावा करने का पार्टीशन था। हम लोग ने उसको रिनोवेट करने के बारे में सोचा कि पार्टीशन हम लोग ने उस वक्त हम लोग ने हटा दिया ताकि हम लोग पूरा मार्बल काम करें। पार्टीशन दोबारा लगा दें लेकिन थोड़ी सी जगह दे दें कि उसको रूम के वर्क करने के लिए जहाँ पर हमको रूम रखना ऑफिस बना सके। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पर काम कर सके क्योंकि ये पब्लिक का ये ख्वाहिश थी कि हम लोग मस्जिद में नगर नहीं आते हैं तो हम लोग की हुकूक वहाँ होना जरूरी है, तो हम लोग हमें अपने लिए रूम वहाँ पर बनाने के प्लान बना थे। इमाम का अपना जैसा रूम रखना करता रहता है कुछ उसमें कुछ गलंदाजी नहीं करते, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए हम लोग अपने वहाँ पर रूम के प्लान किया। तो 4-5 दिन पहले इमाम साहब ने काम को रुकवा दिया तो हमारे भाई इकबाल साहब जब इंटरव्यू दी थी उन्होंने इमाम साहब से कहा कि भाई आपको क्या पता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताया गया आपको कि क्या पता है, हक नहीं तो मुतवलियों का हक है ऐसा क्या रिजोल्यूशन करना नहीं था, तो उसको समझा दिया गया। तो उनके उन्होंने चुप बैठ गई, फिर 2 दिन के बाद फिर काम में पहुँच गया। तो हम लोगों को ये परसेप्शन हुआ कि ये कुछ करने वाले हैं, तो हम लोग 21 तारीख अगस्त को कोर्ट से परमिशन निकाला कैसे मन करते थे ताकि हमें जन रहे किसी किस्म का दखल अंदाजी ना। जुमरा के रोज जब हमें 2 तारीख को हमें इतना हो सकता कल कि वहाँ इमाम साहब ने निका वगैरह का बंदोबस्त किया और वहाँ दीवार बनाया, तो उनको किसने हक दिया वो एक मस्जिद को मराते हैं, तो उनको हक किसने दिया कि आप इधर काम कर। तो हम लोग हमने पहुँचा तकरीबन 10 बजे और हमारे साथ के साथ अंकल के राय गए, तो हम लोग 2 मुतवजे हुए। हम लोग दो इमाम साहब के साथ, मैंने इमाम साहब से कुछ कहा वहाँ पर क्योंकि हम पढ़ते थे आप ऐसा कुछ काम ना करें, उसका डायरेक्शन और इसके लिए तो हमने कहा कि काम रोक दो, मैं बोलते जाओ काम रोक दो, हम सब बोलते जा रहे काम करो। उनके जो यूथ के लोग थे वो भी पूजा के लिए काम करो। ये गुफ्तगू चल ही रहा था कि हमारे इकबाल साहब सचिन हम पक्की शो का ऑर्डर लेके सचिन साहब को देने का कोशिश, शफीक साहब ने जो देख के आपके से बाहर हो गए ताकि छीन लिए हर के फेंक दिए और उसके साथ
स्टार्ट कर दी। इसका रिपोर्ट मेडिकल का एमसीबी दिया है, तब हमने मेडिकल टेस्ट करवाया। मेडिकल टेस्ट करा के शाम को स्मारक पीटी के केस में कितने लोग को पिटाई लगी? उनको पिटाई लगी, हम लोग तो तीन थे, उनको पिटाई लगी। हम हफिज या विजय जो हमारे मौजूद का सबसे सुनिए, उनको पिटाई, तो वो तो पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप इमाम साहब जो कमरे को अगर बंद नहीं करवाएंगे तो इमाम साहब कपड़े कहाँ बदलेंगे, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं नाफदा मस्जिद के मुतवल्ली जनाब नासिर इब्राहिम साहब से। जब वो नायक इमाम थे, अभी भी तो नायक थे, उनके पास तीन चार साल पहले मैंने उनको और एक रूम दिया जिसका अटैच बाथरूम है, सब कुछ वहाँ पर मौजूद है, हर फैसिलिटी मौजूद है। वहाँ पर अपने भतीजों को रख के मस्जिद की बत्ती पंखा कर मस्जिद उठा रही है, फैमिली को रखे हुए जो कि कंप्लेट जब उनको मिला था तो ये साफ चीज का फैमिली मतलब लेडीज रखते हैं, लेडीज है उनके भतीजे रखे, भतीजे तो उनका कोई हक नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर रखे हैं और फिर ये जमात लगा रहे हैं कि कहाँ पर एकदम हिंदी और बेस्ट चीज करेंगे। तो भैया ऑफिस ऑफिस का कहीं देखें किसी को कपड़े चेंज कर तो ठीक हो गया, सर ऑफिस में रहते हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, दर्शक और नाजरीन को भी सरप्रस को बताना चाहता हूँ। और ये चीज़ है जो ऑफिस है और ऑफिस से जो रूम आपने अलॉटमेंट किया, कितने कदम की दूरी पर वो रूम है? वो तीन कदम के दूर ऑफिस से निकलिए तो बगल में उनके जो छोटा रूम है जो बदल के दस दस कदम मान सकते हैं, दस कदम उनका दोनों रूम दो फ्लोर, मतलब तीन कदम के दूरी पे एक रूम है, एक रूम है और एक दस कदम के और एक सात कदम के सात कदम के। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस में बनाया जा रहा था उससे तीन कदम, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए दूध का दूध पानी का पानी साफ होने के कपड़ा चेंज का मामला है। तो मैंने भी सोचा कि ये सवाल लगे हाथ में, तो मतलब सबसे मैं पूछ लूंगा कि ये वाकई में जिनमें सवाल है भाई इमाम साहब कपड़ा अपना बदलने का घर से आते कहीं से भी आते तो ठीक है, जरूरत होती है कपड़े उपड़े बदलने की, आदत वगैरह की जरूरत होती है। तो मुतवल्ली साहब ने कहा कि जहाँ ऑफिस रिनोवेट हो रहा था बन रहा था उसको सजाने सजाने का उससे तीन कदम की दूरी पे एक अलॉटमेंट है रूम, और एक जो है पहले से मतलब मामला उनके पास है सात कदम की दूरी, तीन सात कदम का फैसला है और आगे हम चलते जी। जो इमाम का ऑफिस है जी उसके बगल में सबसे पहले आता है बाथरूम जी, सर आता है तो बाथरूम माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि हम आराम से कपड़ा चेंज कर सकते हैं जी, लेकिन क्या जरूर ऑफिस में कोई चेंज करता है तो तैयार होता ऑफिस ये लड़ाई झगड़े की वजूहत के इससे पहले भी आपको जो है गाली गलौज फोन पे इमाम साहब बहुत सारी बुरी बुरी गाली दे रहे थे, मैं उनको नाम भी लेना नहीं चाहता मगर आप जी यस बोल रहे थे, क्या वजूहत उस वक्त हुई आपको बदतमीजी के साथ के उस वक्त दूसरा का मामला आपको भतीजे को ऑर्डर दे रहे थे तो दूसरा का मीठा पड़े जबकि उसका भतीजा ने मस्जिद के ना हम लोगों ने उसको परमिशन दिया तो हमें फोन आया कि निका पा रहा है तो हमने पहले इमाम साहब को फोन किया कहा है, इमाम साहब ने कहा मैं घर में हूँ, मैंने उससे कहा कि भाई आप ये मस्जिद मैंने देखा कि ये गाड़ी है तो आपका भतीजा वहाँ पर निका पढ़ाने का प्रोग्राम कर रहे हैं आप वहाँ जाकर निका तो बात वहाँ उसके बाद मस्जिद पहुँच के फिर देर के बाद वो हमको फोन करते हैं वो सब सारे मामला मतलब क्या बताओ और भी कुछ मामला उसके बाद वो शाम के वक्त नजर में गए थे तो हिटी एफ आई आर फाइल करते हैं इसके नाम से मौजन तीनों मौजन के मौजन के उसमें क्या नाम है तीनों मौजन के नाम से हिटी एफ आई आर उन मौजनों ने उनके भतीजे से 5,000 रुपया जो उनको फीस मिला था हिटर को कुछ
मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो निकाह का पैसा या खुदा वगैरह या और किस्म के जो शरी मामला उसके जो पैसे आते हैं, तो ये पैसे जाता क्या आप भी लेते हैं या मस्जिद कमेटी में जमा होता है या क्या होता है? मस्जिद एक पैसा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अवाम के सामने में, मुसलमान के सामने में ये बातें आनी चाहिए। मस्जिद एक पैसा नहीं लेता है, कभी लिया है, कमेटी भी नहीं लेती आज तक, तो नॉट अ सिंगल पेनी, नॉट अ सिंगल पेनी। उल्टा मस्जिद इतने खर्चा करके उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरती है, उनके और भी कोई अखराजा है, उनके बल्ब खराब हो गए, कुछ भी खराब हो गया तो मस्जिद पर रखती है, सब कुछ मस्जिद पर उनको देखती है और मस्जिद कुछ नहीं पैसा लेती। यहाँ तक कि जो रसूल में टीका होता है, जिस टाइम में निकाह होता है उस टाइम में पूरा बक्का पत्थर तो जलता है, मुझे उसका पुत्र पूरा घर इतना ज़्यादा निकाह का पत्थर चलता है, मुझे पुत्र पसंद है। ये बार बार मैं देख रहा हूँ झमेले वमेले सब किया, तो क्या आप इसके ठीक नहीं कर सकते, आप लाइफ जारी नहीं कर सकते भाई? झमेले वमेले जो हो रहे हैं सब तो ज़रूरी है, एक नायब रसूल का काम है कि दीन की तब्दील करना, इस्लाम को बताना, हुजूर का असमय असमय बताना, हुजूर की ज़िंदगी को बताना, सारे इस्लामी शरी मामला को देखना, मगर एक नायब रसूल एक मनसफ़ इमामत रह करके जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज आपको दिया गया वो ऑडियो वायरल है, मैं उसके बारे में बातें नहीं करूँगा, मगर कल जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा मार पीट हुआ और वो बोल रहे कि मारपीट भी नहीं हुआ, इस किस्म को क्या कहते हैं? उनका बोलना मारपीट हुआ जी, उन्होंने पीठ में काफ़ी मार के उसको टीवी के पास व्यास साफ मारा जो बर्दाश्त लेकर के बेहोश हो गया, वो किसके पब्लिक लेफ्टिनेंट लोग थे जो उस वक्त लोग मौजूद थे, वो तो केवल आप हमला तो सकती कौन इमाम साहब, इमाम साहब शफीक थे, मौलाना शफीक साहब का असल मौलाना शफीक साहब का ड्यूटी भी नहीं था, नहीं तो वो 10 बजे वहाँ क्या कर गया? 10 बजे जब अमूमा आम जुम्मा को जजूद का ड्यूटी नहीं होता तो 11:30 अपना मस्जिद पहुँचते हैं तो हिजरा में नमाज पढ़ते हैं, तो वो 10 बजे हम लोग जब 10 बजे पहुँचते हैं तो क्या वजह है कि वो कल का जल्दी नमाज पहुँच गया? आप दारुल इफ्ता जो पत्ते फराई डांस रहते हैं जैसे दारुल शरिया हो गया, बरेली शरीफ हो गया, हरिया शरीफ हो गया और भी बड़े बड़े दारुल इफ्ता, वहाँ से आप अपना क्यों नहीं मंगा रहे? जो इमाम को आप गाली देते हैं, तलवार देते हैं, धमका देते हैं, मार देते हैं, मारपीट करते हैं, उसके पीछे नमाज जायज़ है नहीं जायज़ है? क्या आपको नहीं लगता ये अमल आपको करनी चाहिए? मेरी तो उनसे यही अपील है जी, सब आप लोग जो है हालात देखें जी, आगे कभी अधिक है आप लोग खुद एक फतवा दें कि उनके पीछे नमाज जाए देती है, इस फतवा को लेकर अंतिम से मुफ्तियान कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कराम का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम तो मैं जाहिर दिनी मामले में दिनी मामले में हम लोग जाहिर है कि आप उसका फील लेकर आप उस वक्त सब देखने के बाद हमें ताकीद करें कि हमें क्या करना चाहिए, आपका फतवा इस फतवा उठा इशू करके हमें भेजी का छोड़ हमारे ईमेल में हमारे व्हाट्सअप में, तो ये कंडीशन इनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। मस्जिद के जो इमाम साहब है मौलाना शफीक साहिबान, ये मेन इमाम है या नायब नायबी? दोनों नायब इमाम है, अभी मेन तो पेश इमाम है, हम लोग किसी का पॉइंट किया ही नहीं है। आप क्यों नहीं करते? हमको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ये भी एक तौर पर सोचते हैं, ये तो दोनों नायबीन आपके पेपर में भी है, नायब इमाम है पेपर नायब इमाम में है, इतना भी चीज़ें बड़े आराम से अपने वह खुद ही अपने नाम कर सकते, तो हम लोग इस तरफ से किसी तवज्जो नहीं दिया। अभी जो हालात हुआ है इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखिए असल में नाखुदा मस्जिद जो है मुसलमानों की एक समझिए कि ये बहुत बड़ी बंगाल की मस्जिद है,
ये तारीखी मस्जिद है नाकुड़ा मस्जिद, और मेमन बिरादरी, कच्ची मेमन बिरादरी ने अपने खून पसीना मेहनत मशक्कत से मस्जिद को हमारे ख्याल से 150 से 200 साल कमल ना 150 साल कमल से ज़्यादा जो है इस मस्जिद की तामीर करवाई थी, और आज भी उसके जो बायलॉज लिखे हुए हैं कि मस्जिद में कितने बजे दरूद शरीफ पढ़ना है, कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कब मीनार शरीफ पढ़ना, लेकिन उसके बायलॉज बने हुए हैं, इमाम साहब क्या होनी चाहिए, किस तरीक़े से होनी चाहिए, सब बायलॉज सिस्टम में बना हुआ है सब चीज़ें, और ये लोग बाहर से पैसे उसे चंदे के पैसे भी आते नहीं करते किसी किस्म का मस्जिद की देख रेख के लिए, रंग और रोगन के लिए या सजावट आवाइज के लिए, ये लोग सिर्फ अपने बरादरी और कमेटी के दरमियान से ही सारे पैसा मुहैया करके सारी कामकाज वगैरह करते हैं। मगर हम एक चीज़ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मस्जिद की जो इज्जत पामाल हुई इसके बारे में अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोस की बात है। क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है। हमारा काम रखना है उसके काम के सामने और सबसे बड़े अफसोस की बात है कौन के रहनुमाई लीडरशिप निभाएगा, उसकी अगर शर्मिंदगी और क्या महसूस। कितने लोग हैं नाकुड़ा मस्जिद के मतवलियाना ट्रस्टी में? 7 लोग हैं हमारे ट्रस्टी में, एक बुजुर्ग हैं को शामिल किए, 7 लोग। कैसे मुंबई के लोग वगैरह भी नहीं? सिर्फ कलकत्ता से चुन रहे हैं, अच्छी मुंबई कलकत्ता से जी। तो किस आप क्या चाहते हैं आप मुसलियान से, कलकत्ता के बादशाहों मुसलमानों से, बादशाहों उलमा इकराम से, बादशाहों जो है मुफ्तियान इकराम से, क्या आप चाहते हैं? उनका फैसला पेशा बिल्कुल सही बात है, कौन से नमाजों का हम लोगों को क्या उससे हिस्सा भूल गया, तो स्वस्थ बात उनको भी समझना चाहिए, उनको भी राय आने आ जाना चाहिए ताकि हम लोगों को सही बात हमको बच्चे। आप मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आप नाकुड़ा मस्जिद से आपको अच्छी भी रखते बहुत हमेशा देखता हूँ कि तो आप मौलाना सफी साहब के पीछे नमाज उनकी खुदा ने नमाज पढ़ने में 4 वर्ष कर रहे हैं। मेरे पर्सनल हम लोगों ने उनको अपॉइंट किया है, ये ड्यूटी है, जितना भी क्या है पर्सनल मैटर है, चार है कि ना जो एक्टिविटी चलता है, लेकिन ड्यूटी कौन दिन को पूछे अभी तक अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट से हम नमाज पढ़ा रहे हैं और हमें हमारे कमेटी हमारे बुजुर्ग से अपॉइंटमेंट भी है, बाई ड्यूटी कौन हमें नमाज पढ़ता है, कभी बहुत अलग है अरे ना भाई ड्यूटी कौन ताकि पब्लिक ही हमें काम ही इसका फैसला करें, और हमारे ग्राम है उसके बारे में हम लोगों को ताकत क्यों करनी है, आपको भी तो एक्टिव होना पड़ेगा। हम तो एक्टिव कब नहीं, हमारे तरफ से कोई भी चीज़ ऐसा हुआ है कि उसमें मस्जिद की ग्रामी है जो मस्जिद आ चाहे आपको हमारे खास में कुछ लोगों ने मैं जब कल सर्वे कर रहा था मैंने इमाम साहब को कल कर 3000 रुपया तो उसको देसी हमें उनको देखो तो कदम उनको सैलरी देखो तो उनका सैलरी अगर 3000 रुपये निकल
मिनिमम 20 लीटर महीने में होता है। ठीक है, हमने एक तो रेट बांधा था 2700 रुपया का, जिसमें 750 रुपया उनको मिलता, 750 रुपया दूसरे इमाम को मिलता, तो 15,000 रुपया तो ये हो गया 20 निकाह में, तो 15 और 3 18 हो गया। बाकी उस सर्विस क्लॉज में रहने के बावजूद भी वो कहीं मीटिंग करते हैं, कहीं वॉइस करते हैं, तो वॉइस तो वो पैसा ले ही के, फीस ले ही के करते होंगे, उसमें हम लोगों ने कभी दखल अंदाजी नहीं किया। खुला वगैरह वो किसी को नहीं बांटते हैं, वो खुद अपना रखते हैं। जो इमाम के ड्यूटी रहा, अगर कोई उस वक्त खुला का कोई आ गया तो पैसा उनका, और अगर 3,000 रुपया है तो बिल्कुल आपका सही सवाल पूछा। हमारे मस्जिद की जो आमदनी है उसमें से 18,000 40 से 50,000 रुपये तो बच्ची भी चली जाती है, पंखा है कभी आए दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, जो भाड़ा आता है उसमें 40% बाकी तुम बचत तो मकब तुम घर में खा जाता है, तो हम लोग सैलरी के हिसाब से उनको निकाल आते हैं। सैलरी जो आमदनी सफा सफा में पैसा मिलता होगा नहीं होता है, अगर नहीं पैसा उनके पास होता है आज जो उनके पास होते हैं उनके पास जो है, मगर आपको कहने के अगर उनको पसा नहीं रहा तो लीव ले सकते, छुट्टी ले सकते, ये ऐसा वक्त नहीं उनके नहीं पसंद है, उनको पसंद है बाकी उधर कर रहे हैं नहीं पसंद है, लेकिन पसंद है तो 20 साल जो बच्चे माशाल्लाह बड़े सा हो रहे हैं आज पड़े हैं। फिर आपने फैमिली को लेकर उम्रा किया है ना, फ्लैट लिए है ना, तो मस्जिद ही ना उनको सब कुछ दे रही है, ये और कहीं से उनके इनकम है, तो पता है कहाँ से इनकम आ रहा है। मैं तो समझता कि मस्जिद से हर कुछ इनको मिल रहा है, उनको खुश है। एक तो उसका कदम उठाना चाहिए, इमाम का वक़ार को दिखाना चाहिए, एक मौसम को कदम उठाना चाहिए, एक इमाम का वक़ार को दिखाना चाहिए, एक दरवान को कदम उठाना चाहिए, मस्जिद का वक़ार देखते हैं, और हम सब को मस्जिद का वक़ार देखते हुए सब वही कंपनी करना चाहिए। इसको फोन की बदनामी बदनामी हमारे दूसरे फोन को दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर इब्राहिम साहब, लाखदा मस्जिद के मुतवल्ली हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, हर चीज़ की देख रेख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमने बहुत सारे सवाल पूछे। दीजिए महबूब रसूल की जान, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हजरत हमारे साथ बने हैं उन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कि आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा, इसलिए कि मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, सच की ईमानदारी के साथ और बेबाकी के साथ रहता हूँ। यही बेबाकी मैंने सोचा कि नासिर इब्राहिम साहब मुतवल्ली हैं, मैं उनकी भी रूबरू करवाऊँ, और भी देखकर लोग से बातचीत होगी, उनसे भी मैं बातें करवाऊँगा नाखदा मस्जिद पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग मिलकर के इस मसले को सुलटा ले, कौम का मसला है, बड़ा मसला है, और इधर उधर न। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।